भगवान का नाम लेके अच्छा काम करो। मैं आज आप लोग एक सच सच बात बोलता हूँ, मैं पुलिस बुला लूंगा। जो तुम्हारा मन करे वो करो, कमाती हूँ खर्चा करूंगी। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और गाइस देखो आज मेरे साथ टेबल पे कौन कौन बैठा है। नानी चलना शुरू कर लिए, नानी ने प्रैक्टिस करना शुरू। और अब से नानी हमारे साथ बैठेगी टेबल पे, हमारे साथ लंच करेगी। डालती नहीं का टेस्ट, वेरी स्मार्ट। बस यही सब चीजों पे आप पैसे खर्चे करो, जूते पे, हील्स पे। कमाती हूं खर्चा करूंगी। क्या कमाया आपने? बहुत कमाती हूं। आप कमाती नहीं, आप हमारे जेब से निकालती हो हर महीने। हम पे बहुत कष्ट हो रहा है गाइस। माँ माँ क्या बोलेगी? माँ की हालत नहीं है अभी। मेरे कैमरा में क्यों झांक रही हो आप? फोन नहीं उठाओगी आप? फोन नहीं उठाओगी? फोन काट। हाँ जी हाँ ओके करती हूँ। गाइस यही है मेरी इज्जत, जब मैंने बोला नहीं उठाओ तब उठा रही है ये। अपने आप बताओ। लिंकिंग रोड से कहाँ? बैंड्रा। वहाँ बुटीक्स होते थे पहले, ये सब ऑनलाइन थोड़ी ना होता था। मैं पच्चीस छब्बीस साल पहले की बात कर रही हूँ। तो आप अभी भी हो ही तो 28 की हो, तो मतलब जब 2 साल की थी। ये सारे डिजाइन जूतों के वापस से आए, exactly platform heels। कितने पहने, कितने बहुत पहने मैंने। कौन सा पसंद है आपको? दिखाओ वो मैं मंगाता हूँ। पक्की बात है? हाँ दो, अभी मंगाऊंगा। पैसे कौन देगा? मैं दूंगा। बताते हो तुझे मिल। गाइस प्लीज़ मेरी माँ को यूट्यूब पे फॉलो करो, क्योंकि मेरी मॉम अभी व्लॉगिंग शुरू करने वाली है बहुत जल्द, एक हफ्ते बाद वो व्लॉग शुरू करने वाली है। और वो बैंकॉक और थाईलैंड फुकेट सब घूम के आई है, उसका व्लॉग बनाई है जो पोस्ट करने वाली है। तू करेगा? मेरे पास बहुत टाइम लगता है, लेकिन हाँ मैं पोस्ट कर दूँगी। पोस्ट करने वाली है तो आपको जाके उनको फॉलो करना पड़ेगा उनका व्लॉग देखने के लिए। डिसाइड किया है कि नहीं अभी तक? कौन से चाहिए? वो लगाना, वो वाला लगाना, अल्फाजो। अल्फाज लगाऊंगा तो मेरे को कॉपीराइट्स लग जाएगा, कॉपीराइट्स लग गया तो मेरे को पैसे नहीं आएंगे। तो आप अल्फाज गा लो आप। मम्मी तो मुझे आज से हर सुबह मैं आपके पास आऊंगा और आपको एक चीज सोचूंगा, आपको कुछ भी बोलना है आपकी मर्जी से, ठीक है? तो अभी बोलो जवाब दो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? वो कुछ भी, एक वर्ड भी, कुछ भी, थॉट ऑफ द डे, कुछ भी बोल सकती हो आप। हमारी यूथ को क्या बोलना चाहोगी? क्या हुआ? भगवान का नाम लेके अच्छा काम करो। चलो ठीक है गाइस, तो इस पे आप अमल करो। सही बोला ना? अमल। अमल करो। थॉट ऑफ द डे, बी योरसेल्फ। जो तुम्हारा मन करे वो करो, दुनिया वालों की मत सुनो। दुनिया वालों की देखने जाओगे तो कहीं के नहीं रहोगे। गाइस ये इसकी बातों पे मत आओ, मेरे को जो करना है वो करने नहीं दे रही है। अभी दोनों माँ और बेटी ने प्लान किया था कि हम लोग दोनों घर से निकलेंगे। मैं आज आप लोग को एक सच सच बात बोलता हूँ, ये लोग की प्लानिंग चल रही थी, ये लोग बहुत, मेरे को डर लगने लगा है। मैं सच में निकालना नहीं, तेरे को इंडिपेंडेंट करने की सोच। मैं पुलिस बुला लूंगा यार। यार गाइस ये उम्र में माँ बाप के साथ पूरी परिवार एक साथ रहना चाहती है, ये हमें घर से निकालने की बात करी थी। बोलती है कि दोनों 1-1 BHK ले लेंगे, अलग अलग रहेंगे। क्यों लेंगे? अरे हम नहीं रह सकते हमारी नानी के बिना, और ये हमारे बाबूजी का घर है, हम नहीं छोड़ेंगे। मैंने ये नहीं बोला कि ये घर छोड़ो या तो मम्मी के साथ, मम्मी को छोड़ना है। यहाँ पे रहो, यहाँ पे घर अपना संभालो, मतलब इंडिपेंडेंस, पैसा, घर चलाना सीखो, रेंट खर्चा। द मोस्ट प्रेशियस थिंग दैट आई हैव लॉस्ट इन माय लाइफ इज माय चाइल्डहुड। मुझे मेरा बचपन वापस से चाहिए, ताकि ये मसले नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल भी। सच में यही चीज। सोचो तुम्हारी माँ 6 साल की उम्र से काम कर रही है। अरे क्योंकि आप लोग लक्ष्मी हो, आप लोग वॉरियर हो, आप लोग, मैं आप लोग को बहुत वो देता हूँ सम्मान। तुझे तेरा बचपन चाहिए तो मुझे मेरा बचपन नहीं। अरे आपका बचपन चल ही रहा है, आपका यूथ ही चल रहा है। आप 28 की ही हो सिर्फ भाई, लोगों को लगता है आप मेरी बहन हो, और लोगों को लगता है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। गोल मटोलती मम्मी वॉकिंग शुरू कर लो, पेट आ गया आपका। हम लोग को घर से निकालने की बात करी थी, और मेरी माँ ने अभी जो बोला है ना गाइज, कि क्या बोलिए, बी योर सेल्फ, डू वॉट यू वॉन्ट। अब जो हमें करना है वो करने नहीं दे रही है, घर से निकालने की प्लानिंग कर रही थी अभी हमें। क्योंकि तुम्हारा प्लानिंग बहुत घटिया है। हमारा प्लानिंग है कि यहीं पे पड़े रहो। और अरे हमें हमारे दादा ने, हमारे दादा ने सिखाया है कि दोनों औरतों का ध्यान रखना।
ठीक है, तो आप लोग का ध्यान कौन रखेगा? ये डैडी ने बोला था मुझे, डैडी मम्मी के वो है जी। क्या रख रहा है तू? क्या रख रहा हूँ? ध्यान नहीं रख रहा हूँ मम्मी, ध्यान नहीं रखता हूँ आपका। तेरा ख्याल तो हम ही रख रहे हैं। आपका ध्यान नहीं रखता हूँ। आपको हर महीना पैसा देता हूँ कि नहीं? सच सच बताओ। पैसा सब कुछ थोड़ी ना होता है। तो और क्या, और क्या टाइम देता हूँ आपको? सब कुछ देखता हूँ मैं, करता हूँ कि नहीं करता है? देखा, दुनिया में पैसा सब कुछ नहीं होता। मेरी माँ के पता नहीं कुछ एक्सपेक्टेशंस अलग ही है मुझसे। मेरी माँ चाहती है मैं कल शादी कर लूँ और दो दिन बाद उनको बच्चा दे दूँ। उनका ऐसा चल रहा है। हाँ बोलो भाई। ए तुम्हारे बाल किधर है? इतनी जवानी में कैसे झड़ गए तेरे बाल? अच्छा अब थोड़ा इधर। तू असमत, तेरी भी झड़ी रहे भाई। अच्छा इसको किधर लगाने का? ये पंखा बंद कर दो पहले। हाँ पंखा बंद कर दो। गुड्डू गोल्डन बटन लेफ्ट पे लगाओ, राइट पे। गोल्डन लेफ्ट पे लगाओ, राइट पे लगाओ। होल्ड कर एक मिनट, पहले लाइट ऑन कर सब तू। अबे लाइट किधर है? हमें क्या हुआ? अभी और बड़ा वाला स्टूल चाहिए ना, नीचे का। तो कौन सा कहाँ पे लगना चाहिए? मैंने देखो शुरुआत इससे किया था, तो इससे वहाँ पे पहले होना चाहिए शायद मेरे हिसाब से। बड़ा वाला पहले, छोटा यहाँ। ऐसा सेंटर में रहोगे? ये बताओ, थोड़ा ऑफ लगाना, ऑफ सेंटर। पहले मार्किंग ले लो, पकड़ गिरा मत देना। बताओ मैं बताती हूँ। मैं पकड़ता हूँ, आप बोलो। ये देखो, नहीं थोड़ा ऑफ सेंटर, उस तरफ लेफ्ट भी ले। हाँ और थोड़ा बस बस यहाँ। हाँ नीचे बराबर है। हाँ नीचे बराबर है। यहाँ लगाना और उसके बगल में सिल्वर वाला ये। मार्किंग दूँ क्या? नहीं मैं करता हूँ थोड़ा सा। तो अब इधर आओ भाई, उमेद हेल्प कर भाई उसको। हाँ, थोड़ा सा रुको। ये आज क्रिकेट खेलने जाऊँ क्या मैं? विशाल मामा, ओ क्रिकेट खेलूँ क्या आज? कुछ भी करो बाबा। अरे आपके मैदान पे? मेरा मैदान पे। सीढ़ी टूट गई ना, वजन ले नहीं पाई तुम्हारा। मैं बहुत हंसूंगा भाई, मेरा ये ब्लॉग हिट हो जाएगा। अरे खीले का वो तो ले लो। ले लिया 5 इंच ऊपर से नीचे। अभी इधर से लेगा तो 6 आएगा। ऊपर का 5 इंच छोड़ेगा ना, 6.5 आएगा, 6.25 आएगा खीले का सेंटर। छोटा वाला इधर। माय बिगेस्ट अचीवमेंट, इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ यू गाइस, मैन लव यू। हां इसके गैप का भी ले लो। तो गाइज मैंने तो इसको फ्रेम करा दिया हो ताकि ये कभी मेरे आगे जाके जो फैमिली होगी, बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, वो हमेशा याद रखे ये। तो इसलिए मैंने इसको पूरा ग्लास फ्रेमिंग करवाया है। और अभी मैं लगाने वाला हूँ इसको यहाँ पे वॉल पे ऊपर। विठल मामा गिरना नहीं चाहिए, याद रखना मैं अभी बोल रहा हूँ। गलती से भी इसका वजन से गिरना नहीं चाहिए, बहुत बड़ी चीज है ये मेरे लिए। और अगर इसको कुछ हो गया तो ये जितने लोग हैं ना यहाँ पे वो सब आ जाएंगे आपको पकड़ने। विठल मामा थोड़े छोटे हैं तो उनको ये स्टूल देना पड़ा है ताकि वो हाइट पे पहुंच पाए। गिर मत जाना, हिलना नहीं तुम। सेट एकदम सेंटर। थैंक यू विठल मामा। अब सिल्वर वाला बाजू में लगा दो उसके। बहुत सुंदर लग रहे हैं ये तो। सुंदर लग रहे हैं। फाइनली 20 दिन बाद मैंने उसको ऊपर लगाया। 20 दिन बाद? अबे कब से आके रखा था वो? जितना होता है उसके गैप में, उसी के गैप में लगाना। इसको यहाँ पे लगाया जाए, यहाँ पे लगाया जाए, मैंने बोला यही पे लगाओ क्योंकि अच्छा लग रहा है साथ साथ में। बस सीधा होना चाहिए मामा, देखना सीधा 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 करता हूं तो आप टेंशन मत लो। ऊपर का। अरे वाह कितना मस्त लग रहा है। वाओ थैंक यू सो मच विठल मामा। बट मेरे फ्रेम से ज्यादा चमक अगर है किसी चीज में वो है आपके मैदान पे। सो थैंक यू सो मच विठल मामा। लुक्स नाइस, स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम, नाउ वी आर हियर। थैंक यू। चलो मैं जा रहा हूँ काम पे।
हाय भाई, हाउ आर यू? गुड भाई। आया भाई बताइए कितने में? 20-16। स्टार्ट कर भाई को ऐसे वहाँ से नीचे से क्या नहीं वहाँ से बात ये बटन को रात हो गई है, मैं थक चुका हूँ और अब मैं सोने जा रहा हूँ। और मैं एक मेरे नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग को बताने वाला हूँ कि मैं कोई एक प्लेस ज्वाइन करने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड एंड मिलो मुझे नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू।